बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 7 हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 के अंदर हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल पे बात की थी। तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम लोग देख ले हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि दो पॉलीनोमियल को कब प्लस या माइनस किया जा सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि लाइक टर्म क्या होते हैं, क्या चीज लाइक टर्म। तो आप लोगों ने पढ़ा था लाइक टर्म्स, कि लाइक टर्म्स पॉलीनोमियल में लाइक टर्म्स किनको कहा जाता है। याद रखना, पॉलीनोमियल या वो वाले टर्म जिसमें वेरिएबल और पावर दोनों सेम हो, ऐसे पॉलीनोमियल जिनके वेरिएबल और पावर दोनों सेम, वेरिएबल और एक्सपोनेंट दोनों सेम हो, उनको कहते हैं लाइक टर्म। और प्लस या माइनस सिर्फ लाइक टर्म हो कि किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x² 5x² - 10x². अब ये तीनों लाइक टर्म है। कैसे लाइक टर्म है? बेस भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है, बेस भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है। तो ऐसे टर्म को हम कहते हैं पॉलीनोमियल। कौन से टर्म? लाइक टर्म। अब यही लाइक टर्म को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर अब कैसे प्लस माइनस, इनकी कोफिशिएंट को देखे जाएंगे, 5 में 1 जमा करेंगे 6 और 10 का क्या जवाब आता है? -4x। कैसे प्लस माइनस हो तो ये आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि पॉलीनोमियल, कौन से पॉलीनोमियल प्लस या माइनस हो सकते हैं? लाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या होती है? जिसमें बेस और पावर दोनों सेम हो, ठीक है। अब ये लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म कैसे नहीं होती? फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2x 5x² 3x³। अब x^1 बेस सेम है, x^2 यहां पे बेस सेम है, power 3। अब ये मेरे पास तीनों डिफरेंट टर्म है, ये लाइक टर्म अनलाइक टर्म है, ये प्लस या माइनस नहीं हो सकते। तो फॉर कंडीशन फॉर एडिशन एंड कंडीशन फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलीनोमियल, याद रखना कि वही पॉलीनोमियल प्लस या माइनस हो सकते हैं जिनके टर्म्स लाइक और लाइक टर्म, लाइक टर्म में प्लस या माइनस हो सकते हैं। अब क्या चीज प्लस माइनस होती है? उनकी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। ये थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलीनोमियल। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, कुछ बातें जनरल बातें आप लोगों को बता देता हूं, ये आप लोगों को पता हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल ये लेक्चर सबने देखना है, 9th वालों ने भी और 7th वालों ने भी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल के लिए मतलब जिस तरह हमारे पास एडिशन ऑफ पॉलीनोमियल के लिए बेस का और पावर का सेम होना जरूरी होता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल मैं कहता हूं मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ जरूरी है कि उनकी बेस सेम हो, सिर्फ बेस का सेम होना जरूरी है। पावर ऐड हो जाते हैं, दोनों की पावर ऐड हो जाते हैं। देखना यहां पे बेस क्या है एक्स, यहां पे भी बेस क्या है एक्स, यहां पे पावर कितनी है 2, यहां पे कोई पावर नहीं तो कितनी है 1। तो जब ये मल्टी, सबसे पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कोफिशिएंट 1, इसको कोफिशिएंट 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माना जाएगा। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, 2 में 1 जमा कितना हो जाएगा 3, तो x² मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा x³, ठीक है। अगर लिखता है 5x² और लिखता हूं 2x², अब इसका क्या जवाब आएगा? कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 5 2 10। अब बेसेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, पावर आपस में ऐड हो जाती है, 2 में 1 जमा कितना हो जाएगा 3। तो लिखते कैसे है, पहले इस तरह लिखना है, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1, तो 10x^2 में 1 जमा कितना हो जाएगा 3। तो ये पॉलीनोमियल की मल्टीप्लिकेशन, पॉलीनोमियल की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा पॉलीनोमियल मल्टीप्लाई हो, सबसे पहले उनकी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई कर दिए, फिर बेस एक ही दफा लिखो, जितने भी बेस है बेस का सेम होना जरूरी है, ठीक है। बेस सारे सेम होंगे, उनकी पावर को आपस में जमा कर, जिस तरह यहां पे पावर 2 और यहां पे पावर 1, x^1 2+1 कितने हो जाएंगे। और एग्जांपल करता हूं, एक और मैं लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है 2y² × 10y³ ×
y पावर 7। सबसे पहले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 2 10 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 20। देखना इसका कोएफिशिएंट 1 2, इसका कोएफिशिएंट 10, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। जहां पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं वहां पे क्या होता है 1, जहां पे पावर कुछ वहां पे पावर क्या होती है 1। अब 2 10 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20 आ जाएगा, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दे। अब बेस यहां पे बेस x, बेस f, बेस क्या है y, यहां पे भी बेस y, यहां पे बेस y, बेस सेम है, बेस को एक ही दफा लेगा, बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर ये आपस में जमा हो जाएंगी 2 + 3 + 7। ठीक, तो 20 × y पावर 10 और कितने हो जाएंगे 12, तो 20y पावर 12। ठीक है, 2y³² मल्टीप्लाई बाय 10y³ मल्टीप्लाई बाय y पावर 7 का क्या जवाब आएगा 20y पावर 12। ठीक, ये तो वो है जब हमने क्या किया है मल्टीप्लीकेशन सब के साथ प्लस था। अब जरा साइन पे बात करते हैं, साइन की तरफ आते हैं, साइन में बैठ, ठीक है, ये वाली चीजें तो आसान है। अब साइन का क्या मसला है याद रखना, जब सेम साइन होंगे, जब सेम साइन होंगे तो हमेशा क्या आएगा जवाब आएगा एडिशन में प्लस आएगा, हमेशा क्या आएगा प्लस। जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होगा जवाब हमेशा किसमें आएगा प्लस में, और जब डिफरेंट साइन आएगा तो जवाब हमेशा किसमें आएगा माइनस में, जवाब किसमें आएगा माइनस। मैंने क्या लिखा, मैंने पहले बात लिखी कि सेम साइन हमेशा क्या देते हैं प्लस, ठीक है, कैसे सेम साइन हमेशा क्या देते हैं प्लस जब मल्टीप्लाई हो, बात किसकी है मल्टीप्लीकेशन की है, जब प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस होगा मेरे पास हमेशा जवाब क्या आएगा प्लस आएगा, हमेशा जवाब क्या आएगा प्लस, ये सेम साइन है। इसी तरह पहले इस पे बात करते हैं, जब मेरे पास सेम साइन होंगे दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस फिर भी मेरे पास जवाब क्या आएगा प्लस आएगा, जवाब क्या आएगा प्लस। तो आपने क्या सीखा कि जब सेम साइन मल्टीप्लाई होता है सेम साइन में दोनों प्लस से जवाब फिर भी प्लस आएगा, दोनों माइनस इधर भी जवाब क्या आएगा प्लस आएगा, सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होगी जवाब क्या आएगा प्लस। इसी तरह जब डिफरेंट साइन होंगे डिफरेंट साइन के केस में हमेशा क्या आता है माइनस, कैसे, जब एक प्लस है मल्टीप्लाई और एक दूसरा माइनस है जवाब हमेशा क्या आएगा माइनस आएगा, जवाब हमेशा क्या आएगा माइनस। इसी तरह एक माइनस है मल्टीप्लाई और दूसरा प्लस के साथ ये भी क्या आएगा माइनस आएगा। तो जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा प्लस आएगा, दोनों प्लस है सेम साइन है, दोनों माइनस है सेम साइन है, जो हमेशा किसमें आएगा प्लस में आएगा। इसी तरह डिफरेंट साइन है तो एक प्लस एक माइनस है क्या आएगा माइनस आएगा, एक माइनस है दूसरा प्लस है फिर भी क्या आएगा, यही साइन हो सकते हैं। तो क्या सीखा, जब सेम साइन होंगे हमेशा प्लस आएगा, वो चाहे 2+ हो 3+ हो 10+ हो 12+ हो 100+ हो, जब सबके साथ प्लस है तो आंसर क्या आएगा प्लस आएगा। इसी तरह जब सेम साइन हो दोनों माइनस हो, तीनों माइनस हो, चारों माइनस हो, 10 माइनस हो या 1000 माइनस हो, जब भी हमारे पास माइनस सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे सारे माइनस होंगे या सारे प्लस होंगे, मतलब साइन क्या होंगे सेम होंगे, जब दो की बात है फिर मैं आगे बताता हूं, ठीक है, जितने तक हम प्लस माइनस को हम प्लस को मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा, माइनस के लिए याद रखना जब 2 माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा प्लस आएगा, 3 माइनस मल्टीप्लाई होगा फिर क्या आएगा फिर माइनस आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा माइनस, ये 2 के लिए है। उस पर आगे बात करते हैं, जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करें कितना टाइम इवन टाइम तो हमेशा क्या आएगा प्लस आएगा, और जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करें कितने टाइम ऑड टाइम, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा हमेशा माइनस आएगा, हमेशा क्या आएगा माइनस। इस पे बात करता हूं, अच्छा ये याद रखना, सेम साइन दोनों प्लस है, तीनों प्लस है, हजारों प्लस है, हमेशा क्या आएगा प्लस आएगा। याद रखना जब माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस इवन टाइम हो, ठीक है, 2 टाइम हो 4 टाइम हो 6 टाइम हो इवन हो तो वहां पे प्लस बनेगा, लेकिन जब माइनस ऑड टाइम हो एक दफा, ए1 क्या है ऑड है, 3 दफा 5 दफा 7 दफा
जब माइनस को आर टाइम मल्टीप्लाई करो तो फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। यहां पे देखें, जब दो डिफरेंट साइन हो, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, या जब डिफरेंट साइन होंगे, जितने माइनस है जितने प्लस है, जब मल्टीप्लाई के दौरान डिफरेंट साइन आएंगे, तीन प्लस है तीन माइनस है, डिफरेंट साइन है, ठीक है, डिफरेंट साइन है या नहीं है, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस। इसी तरह आपके पास जब डिफरेंट साइन हो गया प्लस माइनस, तो फिर हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। प्लस दो, एक प्लस हो एक माइनस हो, माइनस आएगा, एक माइनस दूसरा फिर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो डिफरेंट साइन हमेशा क्या देते हैं, माइनस, और सेम साइन हमेशा क्या देते हैं, प्लस। तो सेम साइन के अंदर याद रखना के प्लस को जितने टाइम मल्टीप्लाई करो प्लस आएगा, लेकिन माइनस को इवन टाइम मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, और माइनस को आर टाइम मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2x मल्टीप्लाई बाय, मैं ब्रेक ले, 2x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5x पावर थ्री, 5x पावर थ्री, ब्रैकेट हो मल्टीप्लाई हो या डॉट, उसका क्या मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। ब्रैकेट अब कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 6 5 30। अब पहली बार साइन चेक करें, इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस, प्लस जितने टाइम होगा आंसर के साथ भी क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक। अब x x x बेसिस है, मैं पावर को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3, तो 30x की पावर 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 30x पावर 6। ये मैंने साइन के लिए बात की है, इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस, आंसर के साथ भी क्या आएगा, प्लस। तो जब प्लस जितने दफा मल्टीप्लाई होगा आंसर भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक। ये तो कोई मसला ही नहीं है। अब हम बात करते हैं माइनस की। अब माइनस कब, जब सेम साइन को हमने कहा था कि प्लस होता है, अब माइनस पे आते हैं। मैं लिखता हूं -2x मल्टीप्लाई है -x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3x पावर 4, ठीक। सेम साइन है, माइनस 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 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब गिनो, माइनस आर है या यहां पे माइनस आर टाइम है या इवन टाइम है, ठीक। अब एक दो तीन, तीन है तो माइनस आएगा, याद रखना जब भी माइनस हो, ये माइनस आर टाइम आएगा वहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और जब भी माइनस इवन टाइम आएगा वहां पे क्या होगा, प्लस होगा। यहां पे आर है, पहले हम बात करते हैं आर आर टाइम माइनस, आर टाइम माइनस का हमेशा जो आप किस में आता है, माइनस में क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। तो एक दो तीन, तीन है तीन आठ है, तो मैं पहले सबसे पहले माइनस लगा दूंगा। होता क्या है, माइनस माइनस प्लस, प्लस इनटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक। अब फिर टू मल्टीप्लाई बाय वन टू, टू आएगा टू मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्स, अब टू मल्टीप्लाई बाय वन टू आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स। अब 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4, तो -6x की पावर कितना हो जाएगा, 7, -x पावर 7। क्या सीखा कि जब हम माइनस को आठ टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। ये तीन था, वन का तो सबको ही पता है। अब यहां पे क्या है, -2x, और यहां पे माइनस एक दफा है, एक दफा आठ है, तो भी आंसर इसका आंसर यही है, ठीक है। एक और मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं -y मल्टीप्लाई बाय -y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -y क्यूब मल्टीप्लाई बाय -y पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -y पावर 5। 1 2 3 4 5। अब पहले माइनस को देखो कितने टाइम है, इवन टाइम है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले बात आंसर के साथ माइनस आएगा, क्योंकि इवन है, आठ है, क्या है, आठ है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम माइनस है, तो 5 क्या है, 8 है, तो आंसर के साथ माइनस आएगा, माइनस लगाया। अब वैसे सेम में पावर ऐड हो जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कोएफिशिएंट कुछ भी लगा सकते हैं, अगर मैं लगाता हूं यहां पे 2, यहां पे 3, अब 3 2 6, यहां पे मैं लगाता हूं 1, यहां पे मैं लगाता हूं 2, यहां पे मैं लगाता हूं 3, अब क्या है, 2y 3y स्क्वायर 1y क्यूब 2y पावर 4 3y पावर 5 माइनस साथ लिखना है, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 36।
ठीक, माइनस एक दो तीन चार पांच था, पांच आठ, इसलिए माइनस लगाएंगे, 36 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, 36 आप पावर 1 2 3 4 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो माइनस 36 वाई पावर 3 और 3 6 6 10, और कितना हो जाएंगे 15, माइनस 36 वाई पावर 15। और एग्जांपल मैं नहीं करता, मैंने क्या कहा कि जब आपके पास माइनस आएगा कितने टाइम, ऑल टाइम, तो क्या आएगा माइनस आएगा, और जब इवन टाइम आएगा तो हमेशा क्या आएगा प्लस आएगा, इवन टाइम हमेशा क्या बनाएगा प्लस, इवन टाइम हमेशा क्या बनाएगा प्लस, जब माइनस इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा वहां पे आके बंद करके देखो कि ये क्या आएगा प्लस आएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं माइनस 2x² मल्टीप्लाई बाय माइनस yx³। अब देखना एक दो, दो क्या है इवन है मल्टीप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 2 1 = 2, एक्स की पावर 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, प्लस 2x पावर 5, प्लस 2x पावर 5, ठीक है। एक दो और लिखते हैं, मैं ये 2 था अब 4 बनाता हूं, मैं लिखता हूं माइनस एक्स पावर 4 माइनस 5x² माइनस x² है, यहां पे मैं लिखता हूं माइनस 5x 5x। अब पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई, पहले माइनस गिनो, 1 2 3 4 इवन है तो क्या लिख दो प्लस, लिख दो प्लस हो जाएगा, फिर कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो 2 1 = 2, फिर 2 1 = 2, 2 5 = 10, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया 2 1 = 2, फिर 1 है 2 1 = 1, 2 5 = 10 आ जाएगा, x की पावर 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, इसका कोफिशिएंट 2 3 5, 5 और 4 9, इसका कोफिशिएंट की पावर कितनी है 1, तो 10 हो जाएगा। प्लस, प्लस क्यों लगाया 1 2 3 4, माइनस आपके पास क्या था इवन था, माइनस क्या था इवन, ठीक। उसके बाद यह हम आगे इवन था, उसके बाद डिफरेंट साइन चेक करते हैं, डिफरेंट साइन जब भी आएगा कुछ माइनस कुछ प्लस वहां पे हमेशा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2x² मल्टीप्लाई बाय -3 मैं लिखता हूं x पावर 4। अब देखना एक प्लस से एक माइनस है तो लिख लेना ये माइनस, कंफर्म माइनस है, ठीक। अब 3 2 = 6, एक्स की पावर 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6, -6 x पावर। तो आपने क्या सीखा कि जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं वहां पे हमेशा क्या आएगा माइनस। मैं कौन लिखता हूं, मैं लिखता हूं -2x पावर 5, ठीक है, मैं लिखता हूं 5x 5x, ठीक। अब देखने इसके क्या जवाब आएगा, पहले गिनो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, अब फिर प्लस आएगा, कैसे प्लस आएगा, प्लस को रहने दो, माइनस को गिनो, माइनस कितने हैं 1 2, अब 2 क्या है इवन है तो क्या आएगा प्लस आएगा, इवन क्या आएगा माइनस, माइनस क्या होता है प्लस, प्लस को हमेशा प्लस याद है तो आपको पता है। अब एक माइनस से और एक माइनस से कितने माइनस है 2 माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो आंसर के साथ प्लस आएगा, ये कंफर्म है क्योंकि माइनस इवन टाइम है, ठीक है। अब 2 3 = 6 6 2 = 12 और 12 5 = 60 60 लिख दिया एक्स की पावर माइनस प्लस 60 क्योंकि यहाँ पे माइनस कितना टाइम है इवन टाइम है 2 और 4 6 6 और 5 11 11 और कितने हो जाएंगे 60 x पावर 12, ठीक है। क्वेश्चन भी आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्लियर हो जाएगा, कोई भी मसला हुआ फिर मुझसे पूछ लेना। एक्सरसाइज आपके पास कहता है मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई, एक्सरसाइज 8.3, पहला क्वेश्चन है, कहता है सिंप्लीफाई और क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए दो नंबरों के अंदर डॉट भी डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई क्रॉस का निशान भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट भी यूज करें, ये सारा क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। पहला है 4x³ मल्टीप्लाई बाय 2x² सबसे पहले साइन देखें, ये भी प्लस ये भी प्लस, सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम साइन, दोनों प्लस हो फिर भी प्लस, दोनों माइनस हो फिर भी क्या आएगा प्लस आएगा, तो सेम सेम आंसर के साथ भी प्लस आएगा, 4 2 = 8
एक्स की पावर बेसिस सेम है मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएंगे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया 4 2s आर ऐड बेस ए के दबा लिखेंगे सेम बेस है उनकी पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 3 + 2 3 + 2 अब ऐड एक्स की पावर 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 ये इसका जवाब ठीक है ऐड एक्स पावर 5 दूसरा है -5x² मल्टीप्लाई और है x² + 2 के साथ x² + 2 के साथ अब साइन चेक करें यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है एक प्लस और एक माइनस अपोजिट साइन का क्या जवाब आता है माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस आएगा 5 1 is 5 -5 एक्स की पावर वैसे सेम है मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगे 2 2 2 + 2 पावर को ऐड कर दिया अब फिर ये माइनस ये प्लस है प्लस इनटू माइनस माइनस आ जाएगा अब 5 2s are 10 और साथ एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे मतलब -5x² को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो -10x² बनेगा ठीक अब -5x की पावर 2 तो कितने हो जाएंगे 4 -10x² ये दूसरे का जवाब ठीक है नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है आपके पास -3xy ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 2x³y इनटू -5x²y पावर 3 सॉल्यूशन समझना इसको सबसे पहले साइन चेक करो माइनस कितना टाइम है एक माइनस दो माइनस इवन है तो आंसर के साथ लाजमन क्या आएगा प्लस आएगा फिर कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो 3 2s are 6 3 2s are 6 6 5s are 6 5s are कितना हो जाएगा 30 3 2s are 6 6 5s are 30 कितना 30 प्लस 30 क्यों क्योंकि माइनस दो दफा है और दो दफा माइनस इवन टाइम माइनस हमेशा क्या देता है प्लस देता है फिर वैसे सेम है मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगे यहां पे एक्स की पावर 1 यहां पे एक्स की पावर 3 तो 1 + 3 यहां पे एक्स की पावर क्या है 2 अब y को देखो यहां पे y की पावर 1 यहां भी y की पावर 1 और यहां पे y की पावर 3 ठीक है बिल्कुल ठीक है यहां पे y की पावर 1 यहां पे भी y की पावर 1 और यहां पे y की पावर 3 अब 30x की पावर कितने हो जाएंगे 6 डॉट y की पावर कितने हो जाएंगे 5 इसके क्या जवाब आया 30x पावर 6 y पावर 5 30x पावर 6 y पावर 5 ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है x + 2 मल्टीप्लाई और है x² - 4 के साथ x² - 4 के साथ डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं उससे आसान एक तरीका है सबसे पहले इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ फिर +2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ पहले जरा शॉर्ट लिखते हैं पहले मैं लिखता हूं एक्स मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा मैं जरा मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय x² - 4 पहले x को x² - 4 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर +2 की बारी है अब +2 मल्टीप्लाई बाय x² - 4 पहले x को x² - 4 के साथ मल्टीप्लाई किया फिर +2 को x² - 4 के साथ मल्टीप्लाई किया यहां पे दो नंबर थे x और +2 x को भी मल्टीप्लाई किया +2 को भी मल्टीप्लाई ठीक है अब मल्टीप्लाई करो वैसे सेम मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगे यहां पे प्लस यहां पे भी प्लस प्लस आएगा x 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 x यहां पे पावर कितनी है 1 यहां पे पावर कितनी है 2 तो 1 + 2 अब x प्लस 1 माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 4 ठीक फिर 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा 2x² फिर x प्लस 1 माइनस माइनस 4 2s are 8 अब x की पावर 2 में 1 जमा किया 3 माइनस 4x प्लस 2x² - 8 ठीक है अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो सबसे पहले x की पावर 3 फिर x की पावर 2 फिर x की पावर 1 फिर x की पावर 0 तो x की पावर 3 फिर प्लस 2x की पावर 2 फिर माइनस 4x की पावर 1 और माइनस 8 के साथ x की पावर क्या है 0 ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है
एक और करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास एक क्यू मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर प्लस एफ प्लस वन। यहां पे क्या हो रहा है, ये ए क्यूब अंदर तीनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करो ए वन मल्टीप्लाई बाय वन, बेसिस हैं इनमें, मतलब सब के साइन सेम है, इसके साथ भी प्लस, इसके साथ सबके साथ प्लस, तो आसान को चेक करने की जरूरत नहीं। जब सेम साइन मल्टीप्लाई होता है क्या आता है, प्लस आता है। अब वन मल्टीप्लाई बाय वन वन, ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय एस क्यूब, तो क्या हो जाएगा थ्री प्लस टू, बेसिस सेम है पावर एड हो जाएगी, बीच में क्या है प्लस ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए, यहाँ पे पावर थ्री और यहाँ पे ए की पावर कितनी है वन, प्लस ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय वन ए क्यूब। अब आपको पता है कि वन के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो वही आता है, वन मल्टीप्लाई बाय टू तो एक ही आएगा, वन मल्टीप्लाई बाय टू टू आता है, वन मल्टीप्लाई बाय फाइव फाइव आता है, वन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड हंड्रेड आता है, इसलिए वन मल्टीप्लाई बाय क्यूब आई क्यूब आएगा। ठीक, ए की पावर थ्री और टू कितने हो जाएंगे फाइव, ए की पावर जीरो और कितने हो जाएंगे फोर, और ए पावर थ्री जो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहां पे चार नंबर है एक दो तीन चार, तो पहले क्या करो, यहां से पहले एक्स को उठाओ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस वाई को उठाओ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले एक्स को लिखते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई को उठाएंगे माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो बेसिस, यहां पे भी प्लस है यहां पे भी प्लस है, तो क्या आएगा प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, यहां पे पावर कितनी है वन वन प्लस टू। ठीक, अब ये प्लस ये माइनस माइनस आएगा डिफरेंस साइन, ठीक है प्लस एक माइनस माइनस आता है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई स्क्वायर तो एक्स वाई का स्क्वायर। अब जहां पे बेस सेम पावर एड होती है, जहां पे बेसिस सेम है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को एड नहीं करते, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर, फिर माइनस y मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर x प्लस एक माइनस माइनस आ जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर y x स्क्वायर, या पहले x को लिखो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y x स्क्वायर y, फिर देखना सेम साइन, ये भी माइनस इवन हो गए दो हो गए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हमने कहा था जब भी माइनस इवन टाइम मल्टीप्लाई होता है प्लस आता है, तो एक माइनस ये एक माइनस इवन हो गया प्लस हो गया। अब y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर पावर 1 पावर 2 1 प्लस 2। ठीक, अब x की पावर 4 1 कितने हो जाएंगे 3 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई पावर 3, बाकी कुछ भी नहीं किया, इसकी पावर ऐड किया इसकी पावर पर बैठ गया, बाकी आप दरमियान वाला नंबर अपनी जगह। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स वाई का स्क्वायर एक्स, ठीक ये जो, ठीक है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट कहता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब क्या होगा, पहले ये वाला a उठाएंगे इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस b उठाएंगे तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले उठाता हूं a प्लस बी, मैं सबसे पहले मैं उठाता हूं a, a मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी, फिर किसकी बारी है प्लस b, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, मल्टीप्लाई करो, अब ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या हो जाएगा वन प्लस वन, इसकी पावर वन तो वन 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 प्लस वन। ठीक, सब प्लस है, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस ये बोला, तो सेम साइन क्या होते हैं प्लस 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 ही आते हैं। ठीक है, अब ए मल्टीप्लाई बीच में क्या है प्लस, ए मल्टीप्लाई बाय बी कितना हो जाएगा ए, फिर बीच में क्या है प्लस, ए मल्टीप्लाई बाय सी कितना हो जाएगा ए, आप इसकी बारी है, फिर b मल्टीप्लाई बाय a या a मल्टीप्लाई बाय b, a भी ऑर्डर में पहले a लिखो फिर भी ऑर्डर, ठीक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, फिर प्लस b मल्टीप्लाई बाय b कितना हो जाएगा b का स्क्वायर, कैसे b का स्क्वायर, यहां भी b की पावर 1 यहां भी b की पावर 1 प्लस 1, इसमें क्या है प्लस,
b मल्टीप्लाई बाई सी कितना हो जाएगा 20। ठीक, अब a मल्टीप्लाई 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 प्लस, देखना ए बी और ए बी लाइफ टाइम हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है, साथ लिखते हैं ए बी प्लस ए बी। हमें पता है कि लाइफ टाइम क्या होते हैं, जिसमें बेस ए बी बेस ए बी पावर बी सी में, लाइफ टाइम को साथ लिखा प्लस ए सी प्लस बी की पावर 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 प्लस बी सी। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी कितने हो जाएंगे 2 ए बी। ठीक है, प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, बाकी सब जगह ये आ गया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये था आपका नेक्स्ट पार्ट। आखिरी पार्ट मैं करता हूं, आखिरी पार्ट क्या है आप लोगों के पास, नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 6x² माइनस 5x प्लस 4। बिल्कुल आसान है, पहले x² को उठाएंगे तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 9 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं x² मल्टीप्लाई बाय 6x² माइनस 5x प्लस 4, फिर माइनस 9 को उठाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे 6x² माइनस 5x प्लस 4। मल्टीप्लाई करता है, कैसे मल्टीप्लाई होगा देखना, ये भी प्लस सेम साइन क्या देते हैं क्या प्लस, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, यहां पे पावर 2 यहां पे पावर 2 तो 2 प्लस 2। अब ये प्लस ये माइनस, आर टाइम में माइनस तो माइनस आ जाएगा, 1 5 5, यहां पे x की पावर 2 यहां पे x की पावर 1 तो 2 प्लस 1, फिर बीच में क्या है प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x के कितना हो जाएगा 4x², फिर ये माइनस ये प्लस माइनस आ जाएगा 9 6 9 6 कितना होता है 9 6 54, साथ कितना जाएगा x². ठीक, फिर ये भी माइनस सेम साइन, माइनस दो दफा मल्टीप्लाई तो माइनस दो दफा क्या होता है इवन, इवन में क्या आता है प्लस आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 5 45, साथ कितना आ जाएगा ये वाला x, फिर ये प्लस ये माइनस माइनस 9 4 36। अब लाइफ टर्म को इकट्ठा करो, अगर कहीं पे लाइफ टर्म है 6x की पावर 2 तो कितने हो जाएंगे 4, और कोई 4 है x की पावर नहीं है माइनस 5x की पावर 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और कोई 3 है नहीं है। अब ये दो माइनस 54 और 4 ये लाइफ टर्म है, बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, तो माइनस 54 में से 4 निकालेंगे कितना हो जाएगा माइनस 50x क्या, देखना ये अगर प्लस माइनस पे जाए प्रीवियस लेक्चर में, तो अगर डिफरेंट साइन हो अभी हमेशा क्या आता है माइनस, कैसे 54 में से 4 निकाला 54 बड़ा है इसलिए क्या आएगा माइनस 50 आएगा। ठीक, फिर प्लस 45x माइनस 36, ये आपका आंसर है। ये आज का काम था एक्सरसाइज 8.3, तो जरा रिवाइज कर लेते हैं कि आप लोगों ने आज क्या पढ़ा है, फिर मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं। एक्सरसाइज आप लोगों की 8.3 के अंदर आप पढ़ रहे थे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलीनोमियल आपके पास कैसी होती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलीनोमियल। याद रखना मल्टीप्लीकेशन के लिए बेस का सेम होना जरूरी नहीं होता, अगर आपके पास पॉलीनोमियल है बेस अगर सेम हो तो वहां पर क्या होता है, और अगर बेस डिफरेंट तो फिर क्या होता है। ठीक है, अगर पॉलीनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिस सेम है तो वहां पर पावर क्या हो जाते हैं एड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 2x² मल्टीप्लाई बाय 5x, अब यहां पे बेसिस है कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो 5 2 10, यहां पे बेस पावर 2 यहां पे पावर 1 तो कितना बन जाता है 3। और अगर बेसिस सेम ना हो, फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है 2x² और 5y², तो फिर क्या हो जाता है बेसिस और कोएफिशिएंट सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वहां पे पावर ऐड नहीं होते, 5 2 10 x² और y². ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या याद रखना है कि अगर बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई और बेसिस तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है,
साइन के लिए हमने बात की है, ये चीज तो आसान है, ये तो हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। बेसिस सेम ऑफ बेसिस सेम मल्टीप्लाई अपॉर ऐड हो जाती है, बेसिस सेम और डिवाइड अपॉर माइनस, ये पूरे फोर्थ चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ा हुआ है। साइन पे बात करता है, याद रखना जब भी दो प्लस मल्टीप्लाई हो या तीन प्लस या चार प्लस या हजारों प्लस, तो हमेशा जवाब क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है कि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, प्लस एक दफा मल्टीप्लाई हो, दस दफा मल्टीप्लाई हो, दो दफा मल्टीप्लाई, हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। और माइनस के लिए याद रखना, जब माइनस माइनस इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा, माइनस इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा, माइनस दो माइनस मल्टीप्लाई हो, चार माइनस चार पांच छह माइनस आठ माइनस दस माइनस, तो हमेशा माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस। ठीक है, हमेशा जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो लेकिन कितने टाइम, इवन टाइम, तो वहां भी हमेशा क्या आता है, प्लस आता है, क्या आता है, प्लस। और माइनस जब आठ टाइम मल्टीप्लाई होते हैं, कितने टाइम, आठ टाइम। ठीक है, जैसे माइनस 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 एक माइनस तीन माइनस पांच माइनस, तो उसमें हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास, और अगर आपके पास मिक्सचर हो, प्लस और माइनस मिक्स होकर आए, तो आप प्लस आप लोगों ने नहीं लिखना, बार जैसे मैं लिखता हूं एक माइनस है, दूसरा प्लस है, तीसरा माइनस है, फिर मैं लिखता हूं प्लस, फिर मैं लिखता हूं प्लस, मतलब एक नंबर के साथ माइनस, दूसरे के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, पिछला, तो प्लस को नहीं देखना, प्लस जितने टाइम में मल्टीप्लाई होगा प्लस है, फिर माइनस को देखना है कि माइनस कितने टाइम है, माइनस ऑड टाइम है फिर भी आंसर के साथ माइनस आएगा, और माइनस इवन टाइम है तो हमेशा में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आप देखें यहां पे कितने माइनस है, एक दो, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, और अगर माइनस ऑड टाइम है तो फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ये आज का काम था, कोई भी मसला हुआ इंशाल्लाह जब आप क्लास में आओगे इसकी फिर दोबारा मुख्तलिफ आपके जहन में जो भी सवाल है मुझसे पूछने में आपको बताऊंगा। तो आज आपका होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज सारी शीट्स पे लिखना है, एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 8 आपका होमवर्क। इसको समझना, सही डिटेल से समझना, अगर किसी को यह समझ आए फिर आगे उसको 8 9 10 में मसला नहीं होता, लाजमी समझना है इसको, असाइनमेंट पेजेस पे भी लिखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 8.4 करेंगे, ये समझना इसलिए जरूरी है कि आगे आपको फिर मसले नहीं होंगे। ठीक है, 8.4 8.5 एक्सरसाइज के अंदर मसला नहीं होगा, इसको लाजमी समझना। फिर भी किसी के जान में कोई क्वेश्चन आए, क्वेश्चन अपने पास लिख लो, जब हम क्लास में आएंगे सैटरडे वाले दिन आप जो भी सवाल करेंगे इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।